9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज, शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पीएम ने मांगी माफी। पीएम मोदी ने कहा, सिंधु दुर्ग में जो हुआ उसके लिए माफी मांगता हूं, हमारे लिए शिवाजी आराध्य देव, मैं चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। सिंधु दुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरकर टूट गई थी। तेज हवाओं से शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद खंडित हो गई थी। दिसंबर 2023 में पीएम मोदी ने शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया था। मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी माफी मांग चुके हैं। पीएम के कार्यक्रम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने आज नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन यह माफी नहीं ढोंग है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे। पालघर में पीएम मोदी ने सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें बदावन पोर्ट प्रोजेक्ट्स के साथ फिशिंग प्रोजेक्ट भी शामिल है। पालघर में मोदी ने उद्घाटन करने के बाद कहा कि महाराष्ट्र का विकास मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज भारत की प्रगति में महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र विरोधी दलों ने आपके विकास पर हमेशा ब्रेक लगाने की कोशिश की। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। ममता ने कहा, रेप और मर्डर पर केंद्र कड़े कानून बनाए, समय सीमा में केस का निपटारा हो। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या की वारदात के बाद ममता बनर्जी का ऐलान, बंगाल में लाया जाएगा एंटी रेप लॉ के तहत आरोपियों को 7 दिन के अंदर मिलेगी सजाए मौत। ममता सरकार ने बुला विधानसभा का अति विशेष अधिवेशन। बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, रांची के शहीद मैदान में हेमंता और शिवराज ने दिलवाई सदस्यता। 28 अगस्त को चंपई सोरेन ने जेएमएम को छोड़ा था। सीएम योगी के लाल टोपी काले कारनामे वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग की क्रांति का प्रतीक है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री सदमे में। आपको बता दें कि कल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लाल टोपी वाले काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की दूसरी बैठक में मंथन हुआ। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, जेपीसी मिलकर लाएगी एक व्यापक और बेहतर बिल। हरियाणा चुनाव पर बीजेपी सीईसी का मंथन खत्म हुआ। 55 प्रत्याशियों के नाम पर लगी मोहर, 35 पर होगा मंथन। 1 सितंबर को जारी हो सकती है पहली लिस्ट। शिंदे कैबिनेट के मंत्री तानाजी सावंत का एनसीपी पर विवादित बयान का, एनसीपी कैबिनेट में बैठता हूं तो उल्टी आती है, एनसीपी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी एनसीपी के साथ कभी नहीं बनी। शिंदे कैबिनेट के मंत्री तानाजी सावंत पर एनसीपी नेता अमोल मिटकरी का पलटवार का, गठबंधन निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, जवाब हमको भी देना आता है, सीएम शिंदे ने कड़ा एक्शन। एनसीपी शरद गुट के नेता महेश तपासे का तानाजी सावंत पर हमला का, तानाजी सावंत ने शिंदे और बीजेपी के कहने पर अजीत पवार को अपमानित किया, सीएम शिंदे अजीत पवार से नाखुश हैं। विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार विदेशी दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। 7-8-9 सितंबर को अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए यात्रा में बदलाव किया गया, टेक्सास में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। आलोक राज को मिला बिहार डीजीपी का प्रभार, बड़ी खबर। अगले आदेश तक डीजीपी बने रहेंगे आलोक राज। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज। पिछली बार आपको बता दें कि वरिष्ठता की अनदेखी कर आलोक राज को जिम्मेदार नहीं दिया गया था। वहीं बहराइच में 2 आदमखोर भेड़ियों की तलाश तेज हुई है। अब तक 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े गए हैं। वन विभाग की टीम और पुलिस के जवानों ने बहराइच में डेरा डाला। हिमाचल के चंबा में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। डलहौजी में एक भालू निजी होटल में चहलकदमी करता हुआ नजर आया। वहीं दूसरा भालू डलहौजी बनी खेत के मार्ग पर अपने बच्चे के साथ नजर आया।